विलेज किसान फाइंड्स बिगेस्ट मशरूम्स। एक गांव में आनंद मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपने पत्नी और अपने चार बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। वो स्कूल में अटेंडर की नौकरी करता था। वो जो वेतन कमाता था उससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था और कोई कमाई का जरिया नहीं था, इसीलिए उसके परिवार के सदस्य दिन में केवल दो बार बड़ी मुश्किल से खा पाते थे। उसकी पत्नी, इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो हमें हमारा हाल पूछे। आस पड़ोस के लोग ये ताना मारते हैं कि जब तुमसे होता नहीं तब चार बच्चों को क्यों पैदा करना, इसके अलावा हमारे मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, कहकर दुखी हो रही थी। लेकिन स्कूल में सुशीला बहन नाम की एक टीचर उसकी हालत को समझती थी और जब तब वो आनंद मोहन की मदद करती रहती थी। आनंद मोहन उसे अपना दीदी मानकर वो जो कुछ मशवरा देती थी उसका वो पालन करता था और यूं जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन सुशीला बहन ने आनंद मोहन को बुलाया और उससे कहा, आनंद, मैंने अभी अभी स्कूल के बस ड्राइवर को हेडमास्टर से ये कहते सुना है कि बस के क्लीनर ने नौकरी छोड़ दिया है और वो चला गया है। तब मुझे तुम्हारी याद आई तो मैंने हेडमास्टर से वो नौकरी तुम्हें देने के लिए सिफारिश किया है और हेडमास्टर भी मान गए। तुम अटेंडर की नौकरी और क्लीनर की नौकरी दोनों करो और दोनों की वेतन ले लो, इससे तुम्हें थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तब आनंद ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा, दीदी, आप वाकई मेरे लिए देवी समान हैं। इस पूरे संसार में केवल आप ही एक हैं जो मेरी हितैषी हैं। इस तरह आनंद मोहन बस क्लीनर का काम और अटेंडर का काम दोनों करने लगा। एक दिन सुशीला बहन आनंद मोहन से, आनंद, अगले शनिवार को स्कूल का पिकनिक है, तुम बस तैयार करो, ड्राइवर काशी को भी एक बार याद दिला देना। इस तरह शनिवार को स्कूल बस पिकनिक के लिए रवाना हुआ। इस तरह बस पिकनिक वाले स्थल पर पहुंचा। सब बच्चे बस से उतरकर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद आनंद बोर होने लगा। उसने सोचा, ये जंगल इतना विशाल है, थोड़ी दूर आगे जाकर टहल कर आता हूँ, बड़े आराम और शांतिपूर्वक है ये जगह। यूं सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे बहुत सारे पेड़ दिखाई दिए। एक पेड़ के नीचे बहुत सारे मशरूम उग रहे थे। आनंद मोहन, अरे वाह, इतने सारे मशरूम, भाई ये तो व्हाइट बटन मशरूम्स हैं, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, कहकर और आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि बहुत सारे मशरूम्स झाड़ियों की तरह बहुत सारे उग रहे थे। ये आस्टर मशरूम्स हैं और ये चीनेज मशरूम्स हैं। ये सारे मशरूम्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं, ये बहुत सेहतमंद और बहुत महंगे भी होते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है जो ये मुझे नजर आए। अगर मैं इन्हें ले जाकर बेचूंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं इन्हें बाजार में ले जाकर बेचूंगा, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। यूं सोचकर उसने एक बोरी को मशरूम से भर लिया और उसे बस में लेकर गया। शाम को पिकनिक होने के बाद बस वापस गांव लौटी। घर पर आनंद मोहन अपनी पत्नी से, ये कुकरमुत्ती है, इसे अंग्रेजी में मशरूम्स कहते हैं, तुम कुछ ले लो और उनका सब्जी बनाओ। तुम थोड़ा ज्यादा बनाना, एक बड़े डब्बे में भरकर दोगी तो मैं सुशीला बहन मैडम को दूंगा, इसे खाकर वो बहुत खुश होंगी। अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मुझे जंगल में एक मशरूम की खेत नजर आई है, उससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहा। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई।